जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं वुड का आदेश पत्र, वुड डिस्पैच, या इसे वुड का घोषणा पत्र कहते हैं 1854, वुड डिस्पैच 1854, या वुड का घोषणा पत्र या वुड का आदेश पत्र इसे हम कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वुड का घोषणा पत्र क्या था, क्यों आया गया था, भारतीय शिक्षा में इसका कितना बड़ा योगदान था, और क्यों कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा की जो स्वरूप, जो संरचना थी, जो परिभाषित किया गया था, जो डॉक्यूमेंट बनाए गए थे, वो इसी घोषणा पत्र के आधार पर बनाए गए थे और इसी घोषणा पत्र के बाद बनाए गए थे। यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल, ना कहिए अब तक की शिक्षा व्यवस्था का संरचना इसी ने निर्धारित किया था, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच। ओके दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 1813 में एक आज्ञा पत्र आया था, और हर फिर 20 साल के बाद दोस्तों 1833 में फिर एक आज्ञा पत्र आया था। ये आज्ञा पत्र क्या था? ये आज्ञा पत्र भारत में काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देता है, मतलब उस जो कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक लाइसेंस मिलता था जो हर 20 साल के बाद रिन्यू होता था। उस 20 साल में उसको डिसाइड किया जाएगा कि ये क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। तो 1813 ईस्वी में एक घोषणा पत्र आया था, जिसके बाद प्राच्य पश्चात विवाद हुआ, जिसको सॉल्व करने के लिए मैकाले आए थे, मैकाले ने इसे सॉल्व किया था। और अब बारी आ गई 1854 की, यानी कि इसके 20 साल के बाद अगर देखेंगे तो 1853, ठीक है, 1853 में फिर एक कंपनी को नया घोषणा, उसी घोषणा पत्र को रिन्यू करने का समय आ गया था। तो ये जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस देने की बात आई है, तब शिक्षा में कुछ सुधार हुए हैं। तो वक्त था दोस्तों, कब का वक्त था? 1853 ईस्वी। इसमें क्या भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन यानी कि रिन्यू करने का समय था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निश्चित किया कि भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। इसलिए नहीं कि वो चिंतित थे, इसलिए कि 1813 के बाद जो विवाद हुआ था, जो 20 साल चला था, जो 1854 में आके ख़त्म हुआ था, लगभग 43 ईयर्स चला था, तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई अब इंडियन जो है वो अपने एजुकेशन के लिए जागरूक है। तो 1853 का जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करने के आया, तो उन्होंने निश्चित किया कि भाई एजुकेशन पे काम करना है हमें, इंडिया के एजुकेशन पे। तो पार्लियामेंट ने एक जांच समिति नियुक्त की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देने को कहा गया। जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे, उनमें जो प्रमुख थे और भी जो लोग थे, उनकी एक नियुक्ति की गई, एक जांच समिति बनाई गई। 1854 में वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तुत किया गया। 54 में इस पूरी कमेटी ने क्या किया, एक सुझाव पत्र उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को भेजा कि ठीक है, ये हमारी सिफारिशें हैं, ये भारतीय शिक्षा में सुधार होना चाहिए। उस समय जो चार्ल्स वुड थे वो कंपनी के सभापति हैं थे, इसीलिए इस आदेश पत्र को वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह एक 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र था, ठीक है, ये काफ़ी लंबा लेख पत्र था। तो उसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी, जो इस समिति ने भेजा था, उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों को हम देखेंगे कि भारतीय शिक्षा में उन्होंने क्या क्या सिफारिश करी थी, क्या क्या चीज़ें लागू करने के लिए की थी। इसके पहले आपने वुड का वो मैकाले का विवरण पत्र देख लिया होगा और 1813 का आज्ञा पत्र देख लिया होगा, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा, क्योंकि उसमें जो था मैकाले के विवरण पत्र में कंप्लीट पश्चातवादी, मतलब कंप्लीट अंग्रेजी के पक्ष में दिया गया था, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाओं को बड़ी हीन भावना से देखा गया था। तो अब 1854 में क्या किया भाई, वुड की जो समिति थी उन्होंने अपनी सिफारिशें भेजी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को। वो प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इस पर ज़रा नज़र डालिए। प्रमुख सिफारिशों में सबसे पहला, शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया कि ऐसा है भैया कि भारत में जो शिक्षा का दायित्व है वो कंपनी के ऊपर रहेगा, कंपनी भारत में शिक्षा का कार्य करेगी, तो भारत के शिक्षा का प्रयास का दायित्व कंपनी पर भारत में रखा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शिक्षा पे काम करेगी। अब कैसे कैसे काम करेगी, हेडिंग से हम देखते हुए समझते हुए चलेंगे। पहला, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य कुछ निर्धारित किया गया। शिक्षा का उद्देश्य पहले क्या रहा था, पहले तो केवल शिक्षा के उद्देश्य में चार उद्देश्य प्रमुख दिए गए, जैसे कि मानसिक एवं चारित्रिक उन्नति। तो शिक्षा के उद्देश्यों में माना गया कि भैया मानसिक और चारित्रिक विकास करिए और इंडिया में पाश्चात्य ज्ञान को, मतलब फॉरेन नॉलेज को, जो भी रिसर्च चीज़ें हुई हैं उसको शामिल करिए। भारतीय राजपदों के लिए सुयोग्य बनाए, मतलब पहले क्या था, जो ऑफिसर रैंक पे होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, तो कहा गया कि भाई इंडियंस को भी ऐसे पढ़ाइए कि जो राजपद हैं उस पर इंडियन ही आके काम कर सके। भारत को अपने देश की समृद्धिशाली बनाने में सहायता देनी चाहिए। मैकाले के विवरण पत्र में भारत की भाषा और भारतीय साहित्य को हीन भाव से देखा गया था, मगर इसमें प्रोत्साहन दिया गया था। अब आई, अब ये थोड़ी सी चीज़ें लिखी गई, जैसे शिक्षा का उद्देश्य भारतीय ब्रिटिश राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया।
घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का माध्यम भारतीय बौद्धिक चरित्र उन्नति के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का उत्पादन किया जाना चाहिए जो राज्य को मजबूत बना सके और आत्मविश्वास के साथ साथ सही पदों पर नियुक्त किया जा सके। ठीक है तो उद्देश्य निर्धारित किया गया। उद्देश्य में कहा गया कि भाई आप इंडियन को एजुकेट करिए, इंडियन का डेवलप करिए, उन्हें हाईएस्ट पोस्ट पे भी बैठने के लिए उन्हें एजुकेशन दीजिए। तो ये शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किया गया। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपको पता है 1813 के बाद से 1853 तक के काल को अंग्रेजी का काल कहा जाता है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का काल। अब 54 में जब घोषणा पत्र आया, 1854 में जब घोषणा पत्र आया तो इसमें जब भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया तो वहाँ से एक नई शिक्षा संरचना आई। देखिए भारतीय भाषाओं साहित्य को पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है, विधि की दृष्टि से भी इसे इस साहित्य का महत्व को स्वीकार किया गया। इस प्रकार संस्कृत, अरबी और फारसी उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उन्हें पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और करिकुलम में क्या किया गया, जगह दिया गया। परंतु पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का अध्ययन भारतीय के लिए उपयुक्त माना गया। हमने माना, मतलब उस समय वुड की घोषणा पत्र में माना कि ठीक है आपकी ये चीज़ें दी जाएगी, लेकिन आप कोशिश करिए कि पाश्चात्य दर्शन पढ़िए, पाश्चात्य विज्ञान मतलब वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न साइंस, इन चीज़ों को पढ़िए, अंग्रेजी ज़्यादा पढ़िए, हालांकि आपकी जो भाषाएँ हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है उसका पूरा सम्मान है। इस चार्टर में मैकाले की भांति भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान विज्ञान की निंदा नहीं की गई, परंतु यह अवश्य व्यक्त किया गया कि जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार करना चाहते हैं वो ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करना है। कहा गया आपकी भाषाओं का सम्मान है लेकिन हम इसमें अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। ठीक है, शिक्षा का माध्यम, दोस्तों शिक्षा का माध्यम बस इतना समझ लीजिए कि क्षेत्रीय भाषाएं रखी गई, हिंदी, फारसी, संस्कृत या और भी जो क्षेत्रीय भाषा रखी गई उसमें शिक्षा का माध्यम रखा गया, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ाया जाने लगा, इंग्लिश पे वरीयता दी जाने लगी, जॉब्स में प्रेफरेंस इंग्लिश को दिया जाने लगा। ठीक है, घोषणा पत्र में कहा गया कि देसी भाषाओं में पुस्तक की कमी के कारण अंग्रेजी का माध्यम बनना आवश्यक है। कहा गया कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो देसी भाषाओं में नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी जरूरी है। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेजी माध्यम केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए होगा जो इस भाषा का समुचित ज्ञान हो और इसके माध्यम से पाश्चात्य साहित्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो अंग्रेजी को समझते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनका ज्ञान हो वही पढ़ेंगे, दूसरों के लिए शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा रखा गया। समझ में आ गई बात, मतलब दोनों माध्यम में चला गया, हालांकि इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया गया, बताया गया कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं हैं। और क्या किया गया भाई, कुछ यूरोपीय ज्ञान प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम रूप देखते हैं, और यह हमारी इच्छा है कि भारत के सभी स्कूल एक साथ फलते फूलते रहें और विज्ञान की पुस्तक, आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया, ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। तो देखिए शिक्षा के माध्यम में अगर हम बात करें तो दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी की वरीयता दी गई। कहा गया कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो स्थानीय भाषा में नहीं है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, और बहुत सारी अंग्रेजी भाषाओं की किताबों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, अब यहाँ पे देखिए लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का मतलब क्या हुआ कि निदेशक, निर्देशक, उप शिक्षा निदेशक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, इस तरीके के पद डिसाइड किए गए और यहाँ पे लोगों की भर्ती हुई जिनका संपूर्ण काम क्या रहेगा कि शिक्षा का देख रेख करना, शिक्षा का देख रेख करना। समझ में आ गई बात, तो इसको भी ज़रा शॉर्ट में देख लीजिए कि घोषणा पत्र में आदेश दिया गया कि बंगाल, मद्रास, बम्बे, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांतों के भारतीय प्रांतों में एक सार्वजनिक निर्देशन विभाग की स्थापना की जाए, जहाँ पे आपके कौन कौन से होंगे, शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, इस तरीके के पद पे कार्य करने वाले लोग होंगे जिसका काम रहेगा शिक्षा का देखभाल करना, शिक्षा का संचालन करना। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, ठीक है, हेडिंग को ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें यही लिखनी है। ओके, विश्वविद्यालय की स्थापनाएं होने लगी। ठीक है, वुड की घोषणा पत्र में कहा गया कि आप विश्वविद्यालयों की स्थापना करिए, किस तर्ज पे, लंदन की तरफ, जैसे कि लंदन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे आप क्या करिए, भारत में यूनिवर्सिटीज़ बनाइए। तो घोषणा पत्र में कहा गया कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, मुंबई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास और अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए, और ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे हो, और प्रत्येक विश्वविद्यालय में को वाइस चांसलर रहें, पढ़ने वाले बच्चे रहें, और जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाए, मतलब क्या भाई, वाइस चांसलर रहें, बच्चे रहें, सरकार इन्हें क्या करेगी, वहाँ पे पद देगी, सरकार उनकी नियुक्ति करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें इंजीनियरिंग, कानून, देसी भाषाएं, संस्कृत, अरबी, फारसी शिक्षा की व्यवस्था करने का विशेष उल्लेख किया गया।
ठीक है। तो ये नई हमारी विश्वविद्यालय स्थापना करने के बाद सिफारिश वुड घोषणा पत्र में की गई। क्रमबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना, क्रमबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का मतलब दोस्तों जो हमारी शिक्षा का श्रेणी था ना वो यहीं से डिसाइड किया गया। जैसे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये सारी जो क्रमबद्ध जो श्रेणीबद्ध किया गया, जो ग्रेड डिसाइड किया गया, उसकी सिफारिश की गई वुड के घोषणा पत्र में। देखिए, शिक्षा का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर प्राथमिक विद्यालय, फिर मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हो। इस तरीके से जो ग्रेड डिसाइड किया गया उसकी सिफारिश की गई इसी घोषणा पत्र में, राइट। जन शिक्षा का विस्तार, जन शिक्षा का विस्तार का मतलब दोस्तों सबके लिए शिक्षा को खोल दिया गया। इसके पहले अगर मेकाले की बात करें तो मेकाले ने कहा था कि निस्यानंद सिद्धांत का पालन करिए, मतलब उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि भारत में आपको सबको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, केवल अमीर वर्ग को शिक्षा दीजिए, क्योंकि गरीब वर्ग अमीर वर्ग को कॉपी करता है तो धीरे धीरे उन तक शिक्षा पहुंच जाएगी, और नहीं भी पहुंचेगी तो हमें उनसे क्या करना है, ठीक है। तो निस्यानंद सिद्धांत की मेकाले ने कहा था, लेकिन यहाँ पे जन शिक्षा का विस्तार कर दिया गया, सबके लिए शिक्षा का विस्तार कर दिया गया। कहा गया भाई कि आम जनता को व्यवहारिक एवं लाभकारी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए, सभी लोगों को शिक्षा यहाँ पर दी जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सिफारिश क्या कहा गया, अध्यापक का प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग की बात की गई, ठीक है। जो लोग अध्यापक के तौर पर नियुक्त होंगे पहले उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उन्हें बताया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा, फिर उनकी वहाँ पे नियुक्ति होगी। तो एक नई अध्यापक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग की सिफारिश भी की गई वुड के घोषणा पत्र में, करेक्ट। चलिए, व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन की बात की, वोकेशनल एजुकेशन क्या मतलब, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब रोजगार देने वाला शिक्षा, ठीक है। ऐसी शिक्षा दीजिए जैसे मान लीजिए कढ़ाई, बुनाई, वेल्डिंग, कारपेंटरी, पेंटिंग, ये सारे काम के भी, इसके अलावा भी जो भी काम, तो वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, रोजगार देने वाली शिक्षा की सिफारिश की गई। कहा गया कि ऐसी शिक्षा की संरचना रखिए, ऐसी भी शिक्षा दीजिए जो लोगों को रोजगार की तरफ जोड़े, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीन और पॉइंट दोस्तों, स्त्री शिक्षा, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए स्त्री शिक्षा भी यहाँ पे सिफारिश की गई कि भाई वुमेन शिक्षा को भी दीजिए, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा, घोषणा पत्र में कहा गया कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए, इसलिए उन्हें शिक्षा देने की विशेष प्रयास और व्यवस्था होनी चाहिए, वो मुस्लिम शिक्षा की भी बात की गई। और प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया दोस्तों, घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य मतलब इंडिया के जो अरबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इन भाषाओं का प्रोत्साहन किया गया। यह सुझाव दिया गया कि पश्चिम साहित्य और विज्ञान की पुस्तकें भारतीय भाषाओं में अनुवाद की जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त देसी भाषाओं में पुस्तकें लिखी जानी चाहिए तथा लेखकों को आकर्षक पुरस्कार देना चाहिए, जो भी लेखक देसी भाषाओं में लिख रहे हैं उन्हें आकर्षक पुरस्कार देना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रमुख सिफारिशें थी दोस्तों, प्रमुख सिफारिश मैंने बताया ना पूरा 100 अनुच्छेद का था, तो सबको तो आप नहीं लिख सकते, ये प्रमुख अनुच्छेद है, प्रमुख सिफारिशें थी। एक और सिफारिश उसमें रखा गया कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए, और जो बच्चे अच्छा अंक प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी प्रोत्साहन स्वरूप कुछ पुरस्कार दी जाए। तो ये प्रमुख सिफारिश है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ वुड के घोषणा पत्र के कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण हैं, कुछ दोष हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। वुड के घोषणा पत्र के कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स है, राइट, कि वुड के घोषणा पत्र में कुछ अच्छाई भी रही, कुछ कमी भी रही। तो अच्छाई जो सारी चीज़ें बताई गई वो सारी चीज़ें अच्छाई रहीं, और इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां रहेंगी। जैसे पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों, पूरी शिक्षा व्यवस्था रटने वाली शिक्षा बन गई। क्या बन गई भाई? रटने वाली शिक्षा बन गई, परीक्षा केंद्रित शिक्षा बन गई, केवल परीक्षा पास करिए और रटने वाली शिक्षा व्यवस्था बन गई। तो ये उसकी क्या थी? कमी थी। दूसरी बात की भले हिंदी साहित्य को सम्मान दिया गया, लेकिन अंग्रेजी का बोलबाला, अंग्रेजी का बढ़ावा दिया गया, ठीक है। हाल एक और इसकी गुण ये थी कि धार्मिक शिक्षा पे लगाम लगाया गया, लेकिन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से कुछ इसके गुण रहे और कुछ दोष भी रहे दोस्तों, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, मोबाइल डेटा से अपलोड करना है तो ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको अगले वीडियो में इसके गुण और इसके दोष देख लेंगे। वो भी बन गया है, ऐसा नहीं कि कल परसों नहीं, वो आज ही तुरंत इसके बाद ही अपलोड होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहा होगा। तो चलिए अभी एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे वीडियो में आप चले जाइएगा, दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि वुड का घोषणा पत्र क्या था, ठीक है। भारत में एक कंपनी काम करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एक आज्ञा पत्र के द्वारा उसके अधिकार डिसाइड किए जाते थे, उसे लाइसेंस दिया जाता था, वो लाइसेंस हर 20 साल के बाद रिन्यू होता था, ठीक है।
तो इसके पहले भी रिन्यू हुआ था, जब 1813 में रिन्यू हुआ था तो उसमें एक आज्ञा धारा 43 जोड़ी गई थी जिसे प्राच्य पश्चात विवाद हो गया था, तो कंपनी कर्मचारी दो गुट में बच गए थे। प्राच्यवादी मानते थे भारतीय शिक्षा हिंदी में दी जानी चाहिए और कुछ लोगों का मानना था कि इंग्लिश में दी जाए। इसी विवाद को हल करने के लिए 1834 में मेकाले आए थे, तो मेकाले ने 1835 में एक विवरण पत्र दिया था। उस विवरण पत्र में जो मेकाले था उसने कह दिया था कि अंग्रेजी पे बल दीजिए, जो 1,00,000 रुपये का पैसा है वो ज़्यादातर अंग्रेजी पे खर्चा करिए, तो पूरा अंग्रेजी 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 ही कर दिया था मेकाले। इसीलिए भारत की शिक्षा के उस काल को अंग्रेजी शिक्षा का काल कहा जाता है और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसको कहा जाता है, मेकाले को कहा जाता है। तो ठीक है, तो 13 के बाद से फिर 1833 में इसको लाइसेंस मिला, फिर 33 के बाद जब 1853 में लाइसेंस मिला तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, तो उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा करिए एक समिति बनाइए और उस समिति से कहिए कि भारत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। तो वो जो समिति थी वो समिति ने काम किया, उस समिति ने रिसर्च किया और एक घोषणा पत्र डलहौजी के पास भेजा, और उस समय कंपनी के सभापति चार्ल्स वुड थे, इसीलिए इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है जो 1854 में भेजा गया लॉर्ड डलहौजी को। यह एक 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र था जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें कहाँ हैं, जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें यहाँ हैं। क्या क्या भाई, कंपनी के ऊपर शिक्षा का उत्तरदायित्व रखा गया कि भाई आप शिक्षा दीजिए, कंपनी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया, पाठ्यक्रम बताया गया, पाठ्यक्रम की सिफारिश दी गई कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है और पाठ्यक्रम में किस भाषा में आपको शिक्षा देनी है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई। ठीक है, भाषाओं का शिक्षा का माध्यम, कौन से माध्यम में शिक्षा देना है ये डिसाइड किया गया। साथ ही साथ लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई, निरीक्षक, उप निरीक्षक, निदेशक, उप निदेशक, सहायक निरीक्षक, इस तरीके कुछ पद बनाया गया जिस पर लोगों की नियुक्ति की गई, जिसका पूरा काम था कि भारत में शिक्षा का संचालन करना। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, नए नए विश्वविद्यालय आए जिसमें विज्ञान इंजीनियरिंग का लॉ, इस तरीके की नए नए कोर्स को उसमें ऐड किया गया, पढ़ाया गया, यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की गई। क्रमबद्ध स्थापना की गई, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इस तरीके की एक क्रम निर्धारित करने का सुझाव दिया गया वुड के घोषणा पत्र में। जन शिक्षा का विस्तार कर दिया गया, मतलब इससे पहले मेकाले जो था अंग्रेजी वाला वो निसनन सिद्धांत कह दिया था, मतलब उसने कहा था फिल्ट्रेशन थियरी एजुकेशन में लागू करिए, केवल ऊंचे अमीर लोगों को शिक्षा दीजिए, गरीब को धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, उसको हटा दिया गया। जन शिक्षा का विस्तार किया गया, आम लोगों के लिए, सबके लिए शिक्षा खोल दिया गया। टीचर ट्रेनिंग की सिफारिश की गई इसमें कि पढ़ाने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसाय शिक्षा की बात की गई, ऐसी शिक्षा का संरचना कीजिए जो कि लोगों को रोजगार से जोड़े। स्त्री शिक्षा की बात की गई, दोस्तों मुसलमान चूंकि उस समय सर्वे में पता चला कि पिछड़े हुए हैं तो उनकी शिक्षा पर विशेष बल देने की बात की गई, और प्राच्य को प्रोत्साहन दिया गया, भारतीय शिक्षा संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया, छात्रवृत्ति की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई, इसकी अच्छी बातें, इसके गुण और कुछ दोष भी हैं। ठीक है, इसके गुण और दोष हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ आपको लग रहा होगा अगर कि यार ये तो शिक्षा के जगत में अच्छा काम हुआ, बात तो सही है लेकिन अच्छा काम हुआ, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आपके शिक्षा को बेहतर नहीं बना सकता। वास्तव में उन्हें एक अच्छे नौकर की ज़रूरत है, उन्हें एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो भारत में क्या करें, नौकरी कर सकें। वो कब तक बाहर से लेके आएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो ट्रेन कर लेते हैं, इसलिए वो शिक्षा कर लेते हैं। और उस समय दोस्तों, क्योंकि देखिए ना, 1854 की बात की जाएगी, 1854 की बात की जाएगी तो ये लगभग यहाँ से लगभग अब यहाँ पे मान लीजिए 46 ईयर इधर और प्लस 47 ईयर इधर, लगभग मतलब 100 साल अप्रॉक्स रहा है। अब देख तो इस समय क्या हो गया था, स्वतंत्रता और ये सारी चीज़ें आने लगी थी, भारत लोग जागरूक होने लगते, समझ में आने लगा था कि भाई इनको खदेड़ना है, तो इसीलिए वो थोड़े बहुत पोलाइट क्या समझिए, थोड़े बहुत जन शिक्षा के लिए काम करने लगे, भारत को अहमियतता देने लगे, भारतीय भाषाओं को देखने, क्योंकि अब ये चीज़ें धीरे धीरे उग्र, अब इसके बाद देखेंगे शिक्षा आंदोलन जब हुआ था तो धीरे धीरे मामला और उग्र होते चला गया। ठीक है, तो इसके गुण क्या थे, इसके दोस्त क्या थे, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। एक खास रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएँ जरूर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों अगर आप कमेंट में आके अपनी राय प्रतिक्रियाएँ देंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक काम करिए, ये रहा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है,
फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इतना मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, हाँ लेकिन अच्छा लगेगा अगर साथ आप जुड़ेंगे तो, ठीक है। फॉलो करिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए, लाइक करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में उठाकर शेयर कर दीजिए। समझ में आया ना आपको, अच्छा लगा ना? अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं तो एक काम करिए, मुझे एक आंसर दीजिए। चलिए 5 + 5 कितना होता है, चलिए बताइए। चलिए काम करिए, जय हिंद लिख दीजिए कमेंट में, आप जय हिंद लिख दीजिए। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, जय हिंद कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप यहाँ तक देख के आए हैं, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ इन लोगों ने यहाँ तक देखा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने, जय हिंद जय भारत।